स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे द फोर्थ लेक्चर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 CAM 507, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिस्टिक दैट मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन and is calculated as the square root of the variance. The standard deviation is calculated as the square root of variance by determining each data point's deviation relative to the mean. If the data points are farther from the mean, there is a higher deviation with the data set. Thus, the more spread out the data, the higher the standard deviation. अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कोई एनालिटिकल केमिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, उसको उसने 8 दफ़ा रिपीट किया या 10 दफ़ा रिपीट किया, जितने रिजल्ट्स उसके एक्सपेरिमेंट के उसके पास जितनी दफ़ा करने के बाद आए, वो उसका होगा डेटा सेट। अच्छा, जो डेटा सेट का जो मीन है, उस मीन से जो वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा वेरी करेंगी, जितना उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा मीन से, जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ हैं, डेटा पॉइंट्स जितना ज़्यादा वो डिफर करेंगे, जितना उनमें फ़र्क होगा, डिस्पर्शन जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ही ज़्यादा होगी और हमारा एक्सपेरिमेंट में उतना ही ज़्यादा एरर होगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक्सपेरिमेंट में एरर को चेक करने के लिए, आपके डेटा सेट की डिस्पर्शन को चेक करने के लिए, मीन से वो कितना डिस्पर्स है, कितना उसका उसमें वैल्यूज़ का आपस में फ़र्क ज़्यादा है, जितना किसी एक्सपेरिमेंट के डेटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी, हमारा एक्सपेरिमेंट उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन की किसी डेटा सेट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, हम कहेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट उसमें उतना ही ज़्यादा जो है वो एरर है और एक्यूरेसी कम है। अच्छा, द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस सिग्मा से, या फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्राहिरा स्टैंडर्ड डेविएशन, या एसडी भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको लोअर केस सिग्मा से हार करते हैं, विल बी इक्वल टू समिशन एक्स माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन द होल स्क्वायर रूट। एक्स विल बी, यहाँ पे इस फार्मूला में जो x है, ये वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स इन द डेटा सेट, एक डेटा सेट में जितनी वैल्यूज हैं उन सबको x से हार करेंगे। x बार हियर इज द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट एंड n द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डेटा सेट। एक सेट डेटा सेट में जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जितने नंबर्स हैं, जितने रिजल्ट्स हैं, उनको n से रिप्रेजेंट करेंगे, हार करेंगे। ऐसे कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज, फर्स्ट स्टेप, द मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सबसे पहले जो आपके पास जितना भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उनका आपने मीन ले लेना। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, द वेरियंस फॉर ईच डेटा पॉइंट इज कैलकुलेटेड by subtracting the mean from the value of the data point. Each of those resulting values is then squared and the results summed. The result is then divided by the number of data points. The square root of the variance is then used to find the standard deviation. अब इन जो सारे स्टेप्स हैं, इनको हम आसानी के, ये तीन स्टेप्स जो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के, एक एग्जांपल हम यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम इन तीनों स्टेप्स को आसानी समझ आएगी कि वेरियंस क्या है, मीन कैसे लेना है और हर डेटा पॉइंट जो है उसका वेरियंस मीन वैल्यू से कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये हमें हेल्प करेगी किसी भी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। फाइंड द एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। हमारे पास, हमने फ़र्ज़ किया जी, एक डेटा सेट है, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया और इसको
ये हमने 10-11 दफ़ा रिपीट किया उस एक्सपेरिमेंट को, हमारे पास रिजल्ट्स एक दफ़ा आया जी 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक एक्सपेरिमेंट को 11 टाइम्स किया और उसके हमारे पास ये रिजल्ट आए। अब इस फीस स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जैसे कि प्रीवियस लाइफ में हम कर चुके हैं, दैट इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहला स्टेप था जी, हमने हमारे डेटा सेट में जो वैल्यूज हैं उनका हमने मीन लेना है, इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करें, ऐड करें, और जितनी ये वैल्यूज़ हैं 11 वैल्यूज़ हैं, ऐड करने के बाद उसको 11 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 16, दैट इज़ द मीन ऑफ डेटा सेट। सबसे पहले जी फर्स्ट स्टेप था मीन कैलकुलेट करने, ये कैलकुलेट करने। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो मीन से हर डेटा पॉइंट का वेरियंस कैलकुलेट करना है, दैट विल बी एक्स माइनस एक्स बार। एक्स जो है वो ये सारे डेटा सेट्स की जो वैल्यूज हैं इसको एक्स रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक की जो है वो मीन से वेरियंस लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। 16 आपको पता है मीन है, यानी हर डेटा सेट को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार हर डेटा सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स माइनस 16 5, 12 माइनस 16 माइनस 4, 13 माइनस 16 माइनस 3, 14 माइनस 16 माइनस 2, इस तरह ये माइनस 1, 0, 1, ये सारे डेटा सेट्स की एक्स माइनस एक्स बार से ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप है जी, एक्स माइनस एक्स बार जो है इसका हर डेटा सेट का हमने स्क्वायर ले लेना है, यानी माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स माइनस थर्ड जो कॉलम है उसमें एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का 16, माइनस 3 का 9, माइनस 2 का 4, माइनस 1 का 1, इस तरह हर वैल्यूज का स्क्वायर ले लेना है और एक्स माइनस एक्स बार का सम और उसको सम कर लेना, यानी सबको हमने ऐड कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, दैट विल बी 110। इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 110, 110। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, अब फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें। हमने सम समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये हमारे पास आई थी 110, एन की टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से 11, होल स्क्वायर 110, 11 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 3.16। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आवर डेटा सेट विल बी 3.16। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को। इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज देन ऑफन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, द फार्मूला ऑफ द आरएसटी। इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को एब्रीविएट ऐसे करते हैं आरएसटी, सिग्मा और एक्स बार इनटू 100। लोअर केस सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन डेटा सेट के मीन पर डिवाइड करके सोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी आरएसटी। आरएसटी जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 7-8 सेमेस्टर में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे, जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसकी आरएसटी वैल्यू लिखी होती है। मतलब ये कि आरएसटी वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंट की आरएसटी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर आरएसटी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट के दी हुई आरएसटी वैल्यू से कम होगी तो हम कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अगर आरएसटी वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रूमेंट पे दी गई जो स्टैंडर्ड आरएसटी वैल्यू से अगर ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें फॉल्ट है और उसको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।